वेलकम टू एसी क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.4 की। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सो डैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें शो क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें जो हाइपोटेनियस है यानी एसी है, एसी इन दोनों साइड से ग्रेटर है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर एंगल ए इज क्या होगा, लेस देन 90, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी अगर हमारा 90 हो गया तो इसके दोनों एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा। एंड एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब हेंस क्या लिखेंगे, हेंस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि बी जो है 90 डिग्री का है और सी 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए बी ग्रेटर होगा एंगल बी। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, रीजन कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू लेस देन 90 डिग्री, ये हमारा रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं, इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। जो ग्रेटर एंगल होता है उसका अपोजिट साइड में क्या होता है, लॉन्गर साइड होता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ग्रेटर देन ऑल्सो एंगल ए, एंगल बी जो होगा एंगल ए से ग्रेटर होगा, क्यों, इसका भी रीजन यही है कि एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। फिर AC इज ग्रेटर देन BC ऑल्सो, यहाँ भी रीजन क्या आ जाएगा, यही रीजन आ जाएगा, इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड्स अपोजिट टू इट, यही रीजन आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस इज एसी इज लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, क्योंकि एसी यहाँ पे एसी ही तो हाइपोटेनियस है और एसी जो है ये दोनों साइड से ग्रेटर है, इसीलिए एसी क्या होगा हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कह रहा है कि इन अ फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी सो डैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे कि एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ए बी सी एंड पी बी सी, ये दोनों एंगल जो है ये एक ही लाइन पे बना हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा और 180 का हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी बी सी इक्वल्स टू पी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब सिमिलरली लिखेंगे एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी क्यू सी बी ये वाला एंगल एंड ए सी बी ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा 180 के इक्वल होगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, ये इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा, ठीक है। अब हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन डैट एंगल पी बी सी क्या दिया है, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल है ये, ठीक है। तो अब हम पी बी सी और क्यू बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, 180 और 180 कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस एंगल ए बी सी लेस देन माइनस एंगल ए सी बी, ए बी सी एंड ए सी बी। अब देखिए अगर हम ए बी सी को इधर ले जाए और ए सी बी को इधर ले जाए तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा एंगल, इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा एंगल ए सी बी ग्रेट लेस देन एंगल ए बी सी, यहाँ तक समझ में, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए
सी बी देन ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे, तो रीजन वही लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ग्रेटर ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड्स अपोजिट टू इट। यही रीजन यहाँ पे भी आएगा। तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमें प्रूफ क्या करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रूफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी सो डैट ए डी इज लेस देन बी सी। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, हेंस हेंस ए ओ ए ओ इज लेस देन बी ओ, ए ओ इज लेस देन बी ओ। अब सिमिलरली एंगल सी लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ट्रायंगल सी डी ओ, सी डी ओ एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेंस हेंस डी ओ इज लेस देन सी ओ, इक्वेशन टू। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब हम प्लस कर देते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा ए ओ प्लस डी ओ ग्रेटर देन बी ओ प्लस सी ओ। ठीक, अब ए ओ प्लस डी ओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी ग्रेटर देन बी ओ प्लस सी ओ, ये क्या बन जाएगा बी सी। हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन ए डी इज लेस देन बी सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी इज लेस देन बी सी, ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड।